नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज नगर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के अजमेर डिवीज़न के अंदर आता है, जो कि जयपुर अहमदाबाद लाइन पर स्थित है। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन समुद्र तल से 426 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां का स्टेशन कोड BHL है। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन प्रतिदिन 50 से भी अधिक ट्रेनों को ऑपरेट करता है और प्रतिदिन यहां पर 20,000 से भी अधिक यात्री आते हैं। दोस्तों यहां पर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहां पर प्लेटफॉर्म्स की संख्या 4 है। नंबर ऑफ हॉल्टिंग ट्रेनों की बात करें, यानी जो ट्रेनें यहाँ से पास होकर गुजरती और यहाँ पर रुकती हैं, उनकी संख्या 57 है। और जो ट्रेनें यहाँ से अपनी जर्नी की शुरुआत और यहाँ पर अपनी जर्नी का अंत करती है, उनकी संख्या मात्र 1 है। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के कई बड़े नगरों से सीधा कनेक्टेड है। उनमें शामिल है अजमेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, इंदौर, उज्जैन, भरतपुर, आगरा, ग्वालियर, कानपुर, पटना, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद इत्यादि। और दोस्तों यहां से पास होने वाली ट्रेनों में शामिल है बीकानेर, इंदौर, महामाना एक्सप्रेस, हैदराबाद जयपुर वीकली एक्सप्रेस, हैदराबाद जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, राजस्थान हमसफ़र एक्सप्रेस, यशवंतपुर जयपुर सुविधा एक्सप्रेस, अरण्य एक्सप्रेस, चेतक एक्सप्रेस, सारे जहाँ से अच्छा एक्सप्रेस, AMK सुपरफास्ट, डेमो मेमो ट्रेनें भी शामिल है। दोस्तों अब बात करते हैं इस स्टेशन की हिस्ट्री के बारे में। तो इस स्टेशन को 18वीं शताब्दी में बनाया गया था और अब यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन मौजूद है, जिस पर डीजल एवं इलेक्ट्रिक दोनों ही लोकोमोटिव का यूज़ किया जाता है। दोस्तों इस स्टेशन पर पार्किंग समेत वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध है और इस स्टेशन पर तमाम वह सारी सुविधाएं भी उपलब्ध है, जो कि एक आम यात्री को अपनी यात्रा के दौरान चाहिए होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टेशन के साथ। टिल देन सभी को जय हिंद, जय भारत।